प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने में 100 दिन से कम का वक्त बचा है और सियासी पार्टियां अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने चुनावी रथ के जरिए जनता के बीच पैठ मजबूत कर रहे हैं। वहीं यादव परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव भी आने वाले यूपी इलेक्शन को लेकर सक्रिय हो गई हैं। दूसरी तरफ छोटी बहू अर्पणा यादव सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते थक नहीं रही हैं। पूर्व सपा सांसद डिंपल यादव ने हाल ही में वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी धाम के दर्शन किए। वहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रथ यात्रा पर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, माता के आशीर्वाद से हमारी रथ यात्रा बहुत सार्थक होगी। इस प्रदेश में एक नई सरकार बनने जा रही है जो इसका भविष्य बनाएगी। जब उनसे भाजपा के अखिलेश यादव और आतंकवादियों पर दिए बयान पर बात की गई तो उन्होंने कहा, ये उनकी सोच और मानसिकता को दर्शाता है। डिंपल ने आंदोलन कर रहे किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी तो उन्हें भी आतंकवादी बता देती है। इनकी जो सोच और मानसिकता है वो देश के लिए बहुत हानिकारक और घातक साबित होगी। वहीं दूसरी ओर एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए अर्पणा यादव ने कहा है कि सीएम योगी गोरक्षक हैं। उन्होंने कहा, जब भी मैंने किसी परेशानी का जिक्र उनसे किया तो तुरंत निराकरण हुआ है। वो इतने बड़े पद पर भी होकर पशुओं को लेकर बहुत जागरूक हैं। जिस तरह वो पशुओं को लेकर काम कर रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। बता दें कि 2017 में भी अर्पणा यादव ने लखनऊ कैंट से बतौर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ा था और वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।